गाइस वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में गाइस। सो गाइस आप मेरा गेटअप देख के तो समझ सकते हो कि आज हम कहीं जा रहे हैं गाइस। तो आप मैं वैसे चश्मा ज़्यादा यूज नहीं करता गाइस, कहीं जाऊँ ना तब यूज करता हूँ गाइस। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी ननसार गाइस। हम मतलब ननसार ज़्यादातर तो जाते नहीं है, लेकिन गाइस कभी कभी ना काम से जाते हैं गाइस। तो वैसे ना हम मम्मी को साथ लेके जाते थे, अभी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो गाइस हम अकेले जा रहे हैं गाइस, और बाइक भी अकेले गाइस। तो अभी 3:30 बजे थे तो गाइस हम निकल आए घर से, क्योंकि ना हमें पहुँचना भी है, और गाइस अगर सीध वहीं ना तो आज वापस भी आना है गाइस। तो गाइस हम कल नहाए थे, फिर उसके बाद आज मतलब ठंड में यार फिर दोबारा आना पड़ा। लेकिन गाइस अभी का मौसम थोड़ा नॉर्मल है गाइस, अभी इतनी ठंड नहीं है गाइस। तो अभी ना हम कमीज पहन रहे हैं और हमारी जैकेट वगैरह भी रखी हुई है गाइस। तो नन सर हमें थोड़ा बहुत काम है गाइस, वो आज हमें ख़त्म करके आना है गाइस। कुछ रूकड़ी वगैरह कोई चीज़ होती है गाइस, वो हमें लेके ननसार से आनी है यहाँ पे गाइस। तो गाइस हम जाते हैं ना अपने बम्बा होता है बम्बा पे होके जाते हैं, जो मतलब हमारे गांव का बम्बा ना गाइस, उसी पे हमारे रास्ता गई है। पहले कच्चे वाले पे, उसके बाद थोड़ी आगे चल के ना फिर पक्के वाले रास्ता मिलता है इस बार बम्बे। अभी हमें गाइस बम्बे पे गाइस, तो हम गाइस आपको दिखाते हैं बम्बा गाइस। तो गाइस ये है गाइस बम्बा, और आपको हम दिखा दें कि यहीं से रास्ता होके जा रही है गाइस। देखो गाइस वो वही रास्ता है, ऐसे करके यहाँ से निकल के हम आए थे गाइस, इधर से आए थे गाइस इधर की तरफ से, और इधर की तरफ से होके ना हम जाएंगे इस उधर की तरफ से होके गाइस। क्योंकि ना हमारी जो रास्ता ना वो बम्बे की तरफ होके निकलती है, पक्की भी रास्ता है गाइस, लेकिन अभी वो फूटी डली है, इस वजह से इधर की साइड से हम गए नहीं, तो हम जाएंगे इधर होके गाइस। तो गाइस अभी नॉर्मल बम्बा चल रहा है, ज़्यादा तेज बम्बा नहीं है, थोड़ा ही सा पानी है, ज़्यादा नहीं है गाइस। तो हम फटाफट से निकलते हैं गाइस, हम नहीं लगाते क्योंकि ना हमें जाने में भी टाइम लगेगा गाइस, और रूखड़ी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, जंगल साइड गाइस उसमें बताते हैं रूखड़ी मिल जाती है, तो हमारे गांव में मिलती नहीं, तो इस वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं गाइस। जल्दी से फटाफट से पहुँचते हैं और देखते हैं रूखड़ी मिलती है नहीं मिलती गाइस। तो मिलते हैं आपको गाइस ननसार में जाके, शो बने रहना ब्लॉग में गाइस, मज़ा आने वाला है। ऐसे भी जाएंगे अब कितना ही ना बताऊँ, 2-3 लाख रुपये 4 लाख रुपये अगर जा जाटों को वैसे हो तो ये लोगों को तो कितना चला था उसे हैं बता दूँगा मैं जी, वो तो कह रहा हूँ इस बात को तुम्हें। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी ननसार गाइस। तो अभी ननसार से मतलब 500 मीटर दूर पे हम रुक गए थे, क्योंकि हमारे से ना गाइस तो काफ़ी धूल वगैरह उड़ उड़ के ना हमारे पैंट पर, हमारे मुंह पे और जैकेट कमीज वगैरह पर ज़्यादा हो गई थी गाइस। इस वजह से गाइस हम यहाँ पर रुक गए थे, और गाइस यहाँ पर हमने मतलब सारा मतलब साफ किया मुँह फूँ, और गाइस रूमाल लाना भूल गए थे तो मैंने ऐसे ही हाथों से ही झाड़ लिया गाइस, लेकिन अब सही है पहले से गाइस। तो गाइस मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ पहले, तो गाइस ये देखो गाइस ये सड़क देखी ना गाइस, ये अभी अभी बनी हुई है सड़क। आप सोच रहे होंगे कि ये लोकेशन मतलब अपने गाँव की, गाइस मेरे गाँव की लोकेशन नहीं है गाइस, आपको मैं चार तरफ फिर बढ़िया से लोकेशन दिखाता हूँ। देखो गाइस ये मेरे गाँव की लोकेशन है ही नहीं गाइस, देख लो गाइस मेरी गाड़ी उठा रही है, चश्मा भी हो गया गाइस मेरा। तो गाइस ये है रोड गाइस जो अभी अभी बना हुआ ऑलरेडी, देखो मैं ना उखार के भी दिखाता हूँ उसे, आप सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो। देखो गाइस देखो ये उखर रहा है गाइस, देखो गाइस इस पर डावर भी अभी दो एक आध दिन में ये रोड पड़ा हुआ है गाइस। तो गाइस और देखता हूँ किधर से, अब मैं नहीं उखाड़ नहीं रहा गाइस क्योंकि ना ऐसा ही नहीं है, वैसे भी रोड बनता नहीं है बड़े दिनों बाद, तो ये बना है गाइस। तो गाइस ये देख लो है ना नया रोड है बिल्कुल, अभी अभी कुछ दिन पहले ही ये बन के रेडी हुआ है, 2-4 दिन पहले गाइस। यहाँ पे हम रुक गए थे सांप वगैरह होने के लिए, तो हम सांप वगैरह हो लिए गाइस। अब ना गांव से बाहर हैं तो अब गांव के अंदर घुसते हैं, और गाइस मैं वहाँ पे शूट नहीं करूँगा क्योंकि ना मुझे लोग पागल बताते हैं अगर मैं ऐसे काम करता हूँ ना वहाँ पे, तो कहते हैं लोग पागल है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत कम शूट करूँगा। अभी जाके पानी वगैरह पी के फिर वहाँ से निकल लूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो रूकड़ी वगैरह वो लेने आए हैं गाइस वो लेके जाएंगे, और थोड़ा डोलेंगे इधर उधर आपको दिखाएंगे गाइस, तो मज़ा आने वाला फुल गाइस। चलते हैं अंदर की तरफ मतलब ननसार में भीतर घर पर मामा के घर पर गाइस। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ननसार गाइस, और आप देख सकते हो मेरे पीछे लड़का भी है गाइस, वैसे मेरे मामा का लड़का है गाइस, और मैंने जो अपनी गाड़ी थी ना गाइस वो घर पे ठाड़ी कर दी, और ये दूसरी गाड़ी है क्योंकि ना आज ना इनके रिलेशन में कहीं पे दावत है गाइस, तो यार मुझे तो रात भर रुकना ही है यहाँ पर, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना इनके साथ चल के दावत वगैरह खा के आता है गाइस। तो गाइस हमारा जो गाँव है ना गाइस उससे 10-15 किलोमीटर दूर है गाइस, तो हम इसके साथ आ गए थे, अपनी बाइक तो ठाड़ी करके आ गए थे, दूसरी बाइक है इस दिखाते हैं। देखो ये दूसरी बाइक है, हमारी वाली बाइक नहीं है, हमारी वाली बाइक तो अलग है,
ये थोड़ी अलग है गाइस, ये हीरो होंडा है वो एच एफ डी लक्स है गाइस। तो गाइस इधर कहीं पे ना दावत हो रही है गाइस, जो इनकी रिलेशन में गाइस, जो हमारे ननसारे से गांव से कुछ थोड़ा सा दूर गाँव कहीं पर दावत हो रही है गाइस। तो हम आ गए थे घर से निकल के दावत खाने के लिए गाइस। तो गाइस फटाफट से पहुँचते हैं गाइस, मैंने ना बहुत कम ऐसे दावत खाई है लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे दावत खाऊंगा इस। तो मैंने तो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं गाइस। तो गाइस यार हमें आते आते ना काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस। तो गाइस ना अपना हम सो रहे हैं गाइस, जो रोकड़ी वगैरह वो सवेरे के टाइम ढूंढेंगे गाइस। इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आई होप ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, और जो लोग नए चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।